सो अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माय फ्रेंड्स। तो देखिए जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे जो 1K सब्सक्राइबर्स हैं वो माशाल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए मैंने उनको अनहाइड कर दिया है। हालांकि बहुत टाइम पहले ही हो चुके थे बट मैंने किसी वजह से उनको रखा था, फिर मुझे कम्युनिटी टैग मिल गया तो मैंने सोचा अभी सबको पता चल ही चुका है तो फिर इसको क्या छुपाना। तो मैंने सोचा था एक अच्छा सा सेलिब्रेशन करेंगे बट मेरे भाई नहीं आ पाए, इस वजह से हम सेलिब्रेशन नहीं कर पाए 1K का। एंड सोचा था केक वगैरह कट करेंगे जो भी है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगी क्योंकि अल्लाह के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं होगी तो पता भी नहीं हो सकता। एंड सेकंड मैं अपनी फैमिली का थैंक्स बोलूँगी, उन लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करी, पूरा सपोर्ट दिया। और जो थर्ड थैंक्स है वो मेरा ऑडियंस के लिए है, जिन लोगों ने मेरे वीडियोज़ पसंद करे एंड सब्सक्राइब करा मेरे चैनल को। तो बस ये जो वीडियो है मैंने सब लोगों को थैंक्स के लिए बनाया हुआ है और जो भी मेरी खुशी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। एंड इसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें बताइए आपने इतनी जल्दी कैसे बनके कंप्लीट कर लिया है। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ कोई वीडियो बनाइए इसके ऊपर। तो वो मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अब जो मेरे वीडियोस आएंगे वो इसी टॉपिक पर आने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है उसको हमको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ लोग उसको रीड नहीं करते हैं, मैंने भी नहीं करा था। मैं 4-5 महीने तक काम करती रही थी, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। 3 मंथ्स तक मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। आप लोगों ने देखा होगा 3 मंथ तक मैंने इसमें कुकिंग के वीडियोस डाले, बस ऐसे ही डाले थे, सिर्फ शौक में डाले थे और कोई मेरा मोटो नहीं था कि मतलब ऐसा, बस मुझे शौक था यूट्यूब पर वीडियोज़ का, दैट्स वाई मैंने डाले थे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं था। और उसके बाद आप लोग सोच सकते हैं क्या मेरे 92 वीडियोस अपलोडेड थी एंड 22 सब्सक्राइबर्स थे ओनली। तो अभी कितने, फिर मैंने एक दिन सोचा ये तो बहुत बड़ा इंसाफ है, 92 वीडियोस है एंड 22 सब्सक्राइबर्स, तो ये तो बहुत ज़्यादा, मुझे खुद देख के बहुत अजीब सा, बहुत ही वीक और डिसअपॉइंट हो गई मैं देख के, ये तो कुछ ज़्यादा ही बेकार सा जा रहा है, बिल्कुल इतना सोचिए वीडियोज़ इतने ज़्यादा है एंड सब्सक्राइबर्स इतने कम है। फिर मैंने उसके बाद सोचा, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल किया और कॉल करने के बाद उन लोगों से बोला भाई प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वा, तो 4-5-6 और बढ़ गए मेरे, ठीक है इट्स ओके, 27-8 हो गए। फिर मैंने सोचा कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कहाँ से मैं लोगों को बोलूँगी, मेरे जो फ्रेंड ग्रुप था जो भी था 30-40 का सब कंप्लीट हो चुका था। अब मैं कहाँ से ये सब्सक्राइबर्स लेकर आऊँगी, तो इसके बारे में फिर मैंने सोचा, फिर मुझे मिला सब टू सब क्या होता है। तो इन सारी टॉपिक पे, जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह सब पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों के भी इजीली सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। और जब मुझे इसका जो फंडा पता चल गया है कि एक्चुअल में जो यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है ये कैलकुलेशन होता क्या है, तो जब वो चीज़ मुझे पता चल गई तो मेरे सब्सक्राइबर्स अपना भी बढ़ते चले गए। एंड कैन यू बिलीव दिस, ओनली 15 डेज़ में मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए। बिफोर 15 डेज़ मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो 300+ थे। मैंने अपने बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स से पूछा भाई मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी, कैसे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सबने बोला, किसी ने भी ढंग से कुछ नहीं बताया क्योंकि सभी न्यू है, तो जिसका जैसा था सब भाई बस करते जाइए, सब टू सब करिए वो, तो सब टू सब में उतने मज़ा नहीं है मैं आप लोगों को बता दूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में अच्छे से स्टडी करूँगी। मैंने वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिए, मैंने कहा मैं पहले अच्छे से स्टडी करूँगी ये है क्या, और जो लोग जिनके एम ए सब्सक्राइबर्स होते हैं तो क्या वो सब टू सब कर पहुँचते हैं, ऐसा तो नहीं है, सब टू सब कितना करेंगे वो। तो मैंने इसके बारे में स्टडी करी, 2-3 दिन बहुत अच्छे से स्टडी करी और बहुत सारे वीडियोज़ देखे, क्रिएटर्स वीडियोज़ देखे मैंने। तो उसके बाद जब मुझे पता चला एक्चुअल में है क्या, तो माशाल्लाह आप लोग देख ही सकते हैं कि रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है इसका। तो मैं वही चीज़ें अब फिर से कर रही हूँ, वही चीज़ें करती जा रही हूँ। और बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे हैं प्लीज़ आप हमें बताइए, तो इंशाल्लाह मैं उन सभी के लिए वीडियो बनाने वाली हूँ इसी टॉपिक पर। और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो 26 जन को कम्प्लीट हो चुके थे माशाल्लाह। तो उसके बाद मैं आप लोग दिखाती हूँ कि एक जो जीमेल पर मेरे पास एक मैसेज आया है तो बड़ा ही अच्छा, तो अभी आप लोग इसको देखिए। तो अभी आप लोगों ने देखा ही होगा मैं कि किस तरीके से आता है। जब इंशाल्लाह आप लोग कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोगों के पास भी इसी यूट्यूब से रिलेटेड होंगे, जो चीज़ मैंने यूज़ करी है, क्योंकि मेरे न्यू कंप्लीट हुए और मुझे पता चला है कि किस तरीके से मेरे कंप्लीट हुए, वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट ज़रूरी है उसके लिए आप मेरे चैनल द रॉयल टेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, लाइक एंड कमेंट का कुछ भी नहीं मिलता है, ये सिर्फ ओनली फॉर मोटिवेशन के लिए होता है कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा, इससे हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो एंड नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड चाओ।